स्वागत है आपका ग्लोबल शेयर चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई अधिकारी हैं या फिर किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग में काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किस तरीके से लॉगिन करना है, उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ 2 मिनट के अंदर आप इस सिस्टम के जरिए लॉगिन कर जाएंगे अपनी आईडी में। जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक पर आ जाना है, महत्वपूर्ण लिंक के ठीक नीचे जो पहली टैब है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपूर्ति में आ जाएंगे आप खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन राशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी रेशन मैनेजमेंट जो कि राशन कार्ड मैनेजमेंट का वेबसाइट है, बेस्ट व्यूड इन क्रोम एंड 1024x768 और अबव रिजोल्यूशन, यानी 1024x768 से ऊपर का रिजोल्यूशन अगर आपके ब्राउज़र में है तो उसी में ये वेबसाइट अच्छे से वर्क करेगी। और रेकमेंडेड किया जाता है कि आप इसको क्रोम में देखें, यानी गूगल क्रोम में देखें, जिसमें मैं देख रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लॉगिन करना कैसे है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शाखा चुन लेनी है, जैसे अगर आप आपूर्ति शाखा में काम करते हैं और यूजर यहाँ से चुन लेना है। अगर आप अपर आयुक्त हैं, आपूर्ति हैं, DC हैं, DSO हैं, आधार फंडिंग ऑपरेटर हैं, आधार फीडिंग ऑपरेटर हैं, ARO हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जैसे मानकर चलिए अगर आप ARO हैं या DC जो भी हैं, तो उसके बाद जब आप इस चीज़ को टाइप कर देंगे तो यहाँ पर इसके बाद फिर कुछ आप कर नहीं सकते। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। इन दोनों को डालने से पहले यहाँ पर आपको अपना जनपद जरूर चुन लेना है, जैसे अगर आपका मानकर चलिए वाराणसी है तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड, और इसके बाद ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर डाल देना और सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर आपका जो है आपूर्ति शाखा नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि तरीके से करना। फिर से आपको राशन कार्ड मैनेजमेंट से वापस होकर आना है और यहां पर जैसे हमने पहले आपूर्ति शाखा चुना था तो मुख्यालय चुन लेना है। मुख्यालय चुनने के बाद आपको यहां पर माननीय राज्य मंत्री, सचिव, सचिव माननीय मुख्यमंत्री, आयुक्त, अपर आयुक्त जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। यहाँ पर फिर पासवर्ड भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब ये तो हो गई मुख्यालय की बात, और अब इसके बाद फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। अगर आपका गलत चुना गया है तो भी आपको यही आप काम करना है। जैसे आपूर्ति शाखा और मुख्यालय में दोनों में से आप किसी में नहीं आते तो जिला मुख्यालय में आते हैं, तो यहाँ पर जिला मुख्यालय को चुनकर यूजर चुने पर सेलेक्ट करना, जैसे जिलाधिकारी के तौर पर, तो यहाँ पर फिर आपको अपना पासवर्ड भरना है और यहाँ पर जो है ये बॉक्स में जो नंबर है लिखे हुए हैं इन्हें भर देना और सबमिट कर देना। इसके अलावा अगर आपका इसमें से भी नहीं आता है कोई से में, तो आपको फिर से राशन कार्ड मैनेजमेंट पर आना है और फिर से वही चीज़ दोहरानी है, जिसमें कि जिला मुख्यालय को छोड़कर IMPDS डिपार्टमेंट का अगर आपका है शाखा तो IMPDS एडमिन और यूज़र। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने, फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। इसके बाद जो सबसे अंतिम चीज़ आती है फिर राशन कार्ड मैनेजमेंट में, अगर आप इनमें से किसी भी शाखा से नहीं है, अन्य से हैं तो अन्य पर क्लिक करना है, और पेट्रोलियम कंपनी, SDM और इसके अलावा सर्विस इंटीग्रेटर को चुन लेना है, और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड, और यहाँ पर बॉक्स में आपको अपना ये नंबर भर देने हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है 9883 84। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है यूजर आईडी पासवर्ड डालकर। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपको राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किस तरीके से सरकारी अधिकारी या किसी भी रूप में यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप सरकारी सुविधा में हैं, सरकारी नौकरी में और इसमें इस विभाग से जुड़े हुए हैं तो किस तरीके से लॉगिन करना है वो मैंने आज आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए मिलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।